अहम दिन है क्योंकि इस दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करने जा रहे हैं हिमाचल का। हालांकि वो खुद बतौर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री पहली बार बजट पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही खत्म हो गई है। ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, अब कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधायक निधि की चौथी किस्त के मुद्दे पर हंगामा भी किया। रणधीर शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने विधायक निधि बंद नहीं की, रोकी है। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर बेवजह 6 महीने में 920 संस्थान खोलने के आरोप लगाए। तो नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, विपक्ष मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। विधायक निधि लोगों के कामों का ही है, ऐसे में इसे रोकने का कोई तुक नहीं बनता। आखिरकार विधायक विकास निधि पर रोक लगाए जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। सत्र के दौरान जल उपकर विधेयक भी सदन में पेश किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश की नदियों, पानी और बिजली परियोजनाओं पर लगने वाले कर से संबंधित सेस को लेकर ये विधेयक लाया गया है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करें। राजनीतिक लाभ किस चीज का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार कर। आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे। हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं उसको नई दिशा देंगे, और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं।